नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको पर्यायवाची नाम याद नहीं हो रहे हैं तब आप आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नंद विश्वकर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर माह तारीख 15-30 को एक नया पर्यायवाची ट्रिक लेकर आता हूँ। तो आज का जो सुंदर सा ट्रिक है वह है इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द। इस ट्रिक को यदि आप मेरे साथ दो बार रिवाइज करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको यह याद हो जाएगा। तो सुंदर सा ट्रिक है ईस पोलोमी। सुंदर सा ट्रिक क्या है? ईस पोलोमी। आपने मात्र दो ही बार इस ट्रिक को रिवाइज किया और आपको आसानी से याद हो गया ईस पोलोमी। तो ईस पोलोमी से कितने पर्यायवाची शब्द बनते हैं देखते हैं। पहला अक्षर है ई, इसे आपका ट्रिक जो बनता है वह बनता है इंद्रवधु। दूसरा बनता है स्वयं में इंद्राणी। आपने देखा कि इंद्राणी में शब्द के अंत में आनी आता है, तो इंद्राणी से आप एक नाम और याद रखिए किसके, इसका तीसरा नाम होता है मधुवाणी। मधुवाणी सॉरी, तीसरा नाम क्या होता है? मधुवाणी। ये तीनों नाम किसके हो गए हैं? आपकी इंद्राणी के पर्यायवाची नाम। अब देखते हैं इसके बाद आया आपका सा। तो सा से होता है सची। दूसरा नाम है सतवारी, सतावरी। इसके एक इसके पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं आपके इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द। तो पहला अक्षर है ई, ई से क्या बन जाएगा? आपका बेस्ट ट्रिक था ईस पोलोमी। पहला अक्षर ई, तो ई से इंद्रमधु, इंद्राणी, मधुवाणी। दूसरा अक्षर है सा, सची, सतावरी। तीसरा है पोलोमी, तो पोलोमी स्वयं में इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है, तो पोलोमी से आपका हो जाएगा पोलोमी। तो इसे हो जाएगा इंद्राणी, इंद्रवधु, मधुवाणी। सा से सची, सतावरी। पोलोमी स्वयं में इंद्राणी का पर्यायवाची ट्रिक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मित्रों।